राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 में यूपी का दम नजर आएगा। 80 लोकसभा वाले इस प्रदेश में राहुल की 20 से 25 दिन यात्रा निकालने की प्लानिंग है। सिर्फ यही नहीं, प्रियंका के अलावा उनके साथ विपक्ष के बड़े चेहरे अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और तेजस्वी यादव भी नजर आ सकते हैं। यात्रा में ज्यादातर फोकस पश्चिम यूपी पर रहेगा। इसके जरिए कांग्रेस लोकसभा की 27 सीटों को साधने की कोशिश करेगी। पुरानी पेंशन को लेकर आंदोलन तेज होने वाला है। 30 जुलाई को लखनऊ में इसको लेकर महिला अधिकार सम्मेलन किया जाएगा, जिससे कि महिलाएं भी पुरानी पेंशन के आंदोलन में तेजी से हिस्सा ले सके। पिछले दिनों अटेवा पेंशन बचाओ मंच के सम्मेलन में इसको लेकर फैसला किया गया। अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का कहना है कि पुरानी पेंशन को लेकर अब पूरे देश के कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं। यूपी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष संजय निषाद ने आज पूर्व सांसद पुलन देवी की पुण्यतिथि पर सरकार से मांग की और कहा कि जिस जमीन के लिए पुलन देवी ने संघर्ष किया उस जमीन का आज भी मुकदमा चल रहा है, उसको ठीक करवाने की मांग के साथ संजय निषाद ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव NDA के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की बात कही। उत्तर प्रदेश के औरैया में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने एक प्राइवेट अस्पताल में अचानक छापा मारा। छापेमारी के दौरान अफसर के डर से प्राइवेट अस्पताल में मौजूद आशा कार्यकर्ता टेबल के नीचे छिप गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने आशा वर्करों को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि वे अपने इलाके की गर्भवतियों को जब प्रसव पीड़ा हो तो सरकारी अस्पताल पहुँचाएँ, लेकिन आरोप है कि कुछ आशा वर्कर पैसे के लालच में गर्भवतियों को प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिए मजबूर कर रही हैं। इस प्रकार की सूचना मिलने पर स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक ने विधुआ तहसील क्षेत्र के लक्ष्मी प्राइवेट हॉस्पिटल में छापा मारा। उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक सहमा देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक कलयुगी पिता ने अपनी ही 2.5 महीने के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया, बच्चे को पटक दिया जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार के लिए लिया। वहीं बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने बच्चे की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कन्हैया के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक यह मामला हाथरस के ससनी थाना क्षेत्र के खेड़ा फिरोजापुर गाँव का है। मुरादाबाद जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में जिला अस्पताल के पास बीच सड़क पर एक युवक की जमकर पिटाई की गई। युवक की पिटाई किसी और ने नहीं, खुद उसकी ससुराल की कुछ महिलाओं ने की। आरोप है कि दामाद ने पत्नी को बाइक से धक्का दे दिया, जिससे पत्नी को गंभीर चोटें आईं। हालांकि खुद दामाद ही पत्नी को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर आया था। जैसे ही इस बात की जानकारी पत्नी के मायके वालों को हुई, सभी जिला अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल के गेट पर उनको दामाद मिल गया। आक्रोशित ससुराल पक्ष के लोगों ने दामाद की जमकर धुनाई कर दी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई पुलिसकर्मियों के चालान बनाए हैं, जिन्होंने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया। इस कार्रवाई की वजह से पूरे इलाके में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल किसी अनजान युवक ने इस पुलिसकर्मियों की फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसकी वजह से मामला सामने आया। ट्रैफिक पुलिस ने इन फोटोज के आधार पर ही चालानी कार्रवाई कर दी है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त एक सियासी सवाल खड़े जोर शोर से पूछा जा रहा है। वह सवाल यह है कि मायावती और बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा चुनाव में किसके साथ जाएंगे। पिछले दिनों विपक्ष ने बेंगलुरु में बैठकर विपक्षी एकता का ऐलान करते हुए इंडिया गठबंधन बनाया, तो मायावती का आक्रामक रुख देखने को मिला। उन्होंने तब साफ कहा था कि वह ना तो इंडिया के साथ और ना ही NDA के साथ रहेंगी। हालांकि इसी बीच मायावती का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने नई सियासी संभावनाओं की ओर इशारा करना शुरू कर दिया है। मायावती ने बैलेंस ऑफ पावर का हवाला देते हुए संकेत दिया है कि भविष्य में वह किसी गठबंधन का हिस्सा जरूर बन सकती हैं। NDA गठबंधन में शामिल होने के बाद सुभाषपा प्रमुख OP राजभर की सुरक्षा में कुछ दिनों से सेंधमारी हो रही है, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने OP राजभर व सुभाषपा कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया है। राजभर व उनकी पार्टी कार्यालय की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। कल कुछ संदिग्ध लोग सुभाषपा कार्यालय में पिस्टल लेकर पहुंचे थे, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश
प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच तलाक का मामला दिल्ली की साकेत कोर्ट में पहुंच चुका है। मंगलवार को राजा भैया और उनकी पत्नी भवानी कुमारी सिंह के तलाक के मामले में दक्षिण दिल्ली के साकेत जिला अदालत में सुनवाई हुई। राजा भैया की तलाक की अर्जी पर भवानी कुमारी सिंह ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए हर थोड़ा समय मांगा है। अदालत ने एक हफ्ता और देते हुए सुनवाई 3 अगस्त को तय कर दी है।